बिल्कुल सच्ची बात रही, सितारा साहब कह रहे थे इन दिनों हमारे अपने शहर में दिवाली का त्योहार चल रहा है। एक गरीब आदमी से एक साहब ने पूछा कि कैसी दिवाली गुजरी, कहा कि दीवाना निकल गया। तो दोस्तों एक तरफ दीवाना है एक तरफ दीवानी है। मुबारकबाद रही सितारा साहब, बहुत मुबारकबाद कि मुफलिसी का शिकार सोते हैं, मुफलिसी का शिकार सोते हैं, एक चादर में चार सोते हैं, खेच लेवे ना पांचवा कोई, सबके सब होशियार सोते हैं। अब पांचवे का डर किसको है, मैं आवाज दूंगा आप पहचान जाएंगे, मैं कलीम गड़बड़ को आवाज दे रहा हूं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सब पढ़ूंगा। जी जी बिल्कुल। अरे भाई कुछ सुन तो लो। एक मतलब एक शेर समाप्त कर ले के बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं ये सारे ही दर शाम के बाद, बंद हो जाते हैं ये सारे ही दर शाम के बाद, कोई आए ना गली में भी नजर शाम के बाद। बंद हो जाते हैं ये सारे ही दर शाम के बाद, कोई आए ना गली में भी नजर शाम के बाद। और आज गड़बड़ ये हुई आके पड़ोसन बोली, आज गड़बड़ ये हुई आके पड़ोसन बोली, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। एक मतलब चंद शेर समाप्त कर ले दोस्तों के जो जो यारों में बहुत अपनी बड़ाई पेश करता है, जो यारों में बहुत अपनी बड़ाई पेश करता है, वही बेगम के हाथों में कमाई पेश करता है। जो यारों में बहुत अपनी बड़ाई पेश करता है, वही बेगम के हाथों में कमाई पेश करता है। और किसी बकरी को जब भी गुनगुनाते देख लेता है, किसी बकरी को जब भी गुनगुनाते देख लेता है, मेरा बकरा तरन्नुम से रुबाई पेश करता है। किसी बकरी को जब भी गुनगुनाते देख लेता है, किसी बकरी को जब भी गुनगुनाते देख लेता है, मेरा बकरा तरन्नुम से रुबाई पेश करता है। और एक ऐसा डॉक्टर है जो के खुजली के मरीजों को, एक ऐसा डॉक्टर है जो के खुजली के मरीजों को दमा टीबी बवासीर की दवाई पेश करता है। वाह वाह वाह। एक ऐसा डॉक्टर है जो के खुजली के मरीजों को दमा टीबी बवासीर की दवाई पेश करता है। और ये शेर समाज करे दोस्तों के बचाओ अपनी नस्लों को तुम इंटरनेट की लत से। क्या कहना, बचाओ अपनी नस्लों को तुम इंटरनेट की लत से, ये अच्छाई की सूरत में बुराई पेश करता है। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। ये अच्छाई की सूरत में बुराई पेश करता है। और जिसे जिसे कुत्ते भी खाने की कभी जहमत नहीं करते, जिसे कुत्ते भी खाने की कभी जहमत नहीं करते, वही हड्डी मुझे सांडू कसाई पेश करता है, वही हड्डी मुझे सांडू कसाई पेश करता है, वही हड्डी मुझे सांडू कसाई पेश करता है। और मक्ता समाप्त कर ले के निगलता है वो पहले एक चमचा माजूने गड़बड़, निगलता है वो पहले एक चमचा माजूने गड़बड़, दमा दम दम मेरे साड़ू का भाई पेश करता है। आइए प्योरिटी समाप्त कर ले, पढ़ूंगा जी, ठीक पढ़ूंगा। अरे पढ़ूंगा भाई मैं। जो रुसंदल मेरा ले चली, जो रुसंदल मेरा ले चली, गली 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 गली, जो रुसंदल मेरा ले चली,
जोर संदल मेरा ले चली गली 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 सुने ना वो मेरी बस अपनी चलाए वो कौवे के जैसे करे काए काए सुने ना वो मेरी बस अपनी चलाए वो कौवे के जैसे करे काए काए मैं बोलू के बेगम जरा सर दबा दो वो गुस्से में मेरा गला ही दबाए मुझसे कहती है वो बावली जाओ बेचो चने काबली गली 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 वाह कलीम वाह 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 बहुत अच्छे सुने ना वो मेरी बस अपनी चलाए वो कौवे के जैसे करे काए काए मैं बोलू के बेगम जरा सर दबा दो वो गुस्से में मेरा गला ही दबाए मुझसे कहती है वो बावली जाओ बेचो चने काबली गली 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 ये साले हैं मेरे खली के नवासे ये साले हैं मेरे खली के नवासे मेरे खून के वो हमेशा है प्यासे ये साले हैं मेरे खली के नवासे मेरे खून के वो हमेशा है प्यासे मेरी सालियां हैं सभी रसमलाई भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी सालियां ये साले हैं मेरे खली के नवासे मेरे खून के वो हमेशा है प्यासे मेरी सालियां हैं सभी रसमलाई पकड़ के वो शौहर की बोले कलाई देखो गड़बड़ की ये गड़बड़ी कितनी करता है वो धांधली गली 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 बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी 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 मैं पढ़ता हूँ गिनती पढ़ता हूँ अरे हाँ भाई पढ़ रहा हूँ ना पढ़िए करीम भाई एक मर्तबा हर सिंगर को रफी साहब के गाने गाने का शौक है भूत सवार है हर कोई चाहता है कि वो रफी साहब की आवाज में कुछ ना कुछ गाए हालांकि दोस्तों ये मुशायरे का आइटम नहीं है लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है के अताउल्ला खान साहब वो रफी साहब का गाना गाएंगे अगर तो किस तरह गाएंगे कि अताउल्ला खान साहब रफी साहब का बहुत ही मशहूर गीत फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे ये गीत अताउल्ला खान साहब अगर गाएंगे तो किस अंदाज में गाएंगे फलक पे जितने सितारे दोस्तों जरा तालियां बजाकर मुबारकबाद दें बहुत अच्छे गड़बड़ वाह 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 फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे मेरे खता मेरे सजा
किसी को चैन मिले मुझको बेकली दे दे, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। और रफी साहब अगर अभी होते और उनको फिल्म जुड़वा का गाना टन 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 टारा चलती है कि 9 से 12, अगर उनको गाने के लिए दे दिया जाता तो किस तरह गाते? टन 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 टारा चलती है वाह 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 वाह, खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, चल हो जाए 9 2 11 9 2 11। एक मर्तबा कॉलेज में कुछ सिंगर स्कूल में इंटरव्यू दे रहे थे बच्चों की गिनती पढ़ाकर। सबसे पहले हमारे अल्ताफ राजा वो बच्चों की गिनती पढ़ा रहे थे, किस अंदाज में गिनती पढ़ा रहे थे समाज से? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह प्रिंसिपल साहब बोले यार ये क्या था? बोले अपना रंग ऐसी ही है। बोले नहीं चलेगा किनारे बैठो। अताउल्लाह खान साहब आए वो बच्चों गिनती पढ़ा रहे, वो किस तरह गिनती पढ़ा रहे? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। प्रिंसिपल साहब बोले ये क्या? बोले अपना रंग भी ऐसा ही है। बोले नहीं चलेगा किनारे बैठो। हमारे हमेश रसनिया जी आए वो बच्चों की गिनती पढ़ा रहे। पढ़ो गिनती एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। प्रिंसिपल साहब बोले यार ये क्या था? बोले अपना रंग भी ऐसा ही है। बोले नहीं चलेगा किनारे बैठो। पंडित जी बैठे हुए थे वो खड़े हुए बच्चों की गिनती पढ़ाने। पंडित जी किस तरह गिनती पढ़ा रहे समाज से? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह वाह 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोलो चौदह पंद्रह सोलह। प्रिंसिपल साहब बोले यार पंडित जी आप भी? बोले हाँ आपका रंग भी तो ऐसे ही है। बोले नहीं चलेगा किनारे बैठो। प्रिंसिपल साहब खुद खड़े हुए बोले मैं बताता हूँ किस तरह गिनती पढ़ाई जाती है। अब उतनी देर में उनके अंदर मोहम्मद रफी साहब दाखिल हो गए। अब वो बच्चों की गिनती पढ़ा रहे। एक दो तीन चार पांच छह सात नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह एक दो। बहुत शुक्रिया।